ये जी सामने बॉर्डर और अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है हमें। अच्छा जी, सब दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरीके से खुल जाए। ये ईरान वाली साइड पे पहुंच चुके हैं, ये ईरान का बॉर्डर है जो हमने क्रॉस कर लिया। कितने का लिया साथ? 50,000 दिया एक शॉर्मे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अन मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। 8 घंटे में हम अपनी गाड़ी पर क्वेटा से तफ्तान पहुंच गए। ये सफर 650 किलोमीटर का था। बॉर्डर पे तो पहुंच गए खैरियत से। हमने सोचा कि करेंसी भी चेंज करवा ली जाए, तो यहीं तफ्तान के अंदर से पूछ लीजिएगा कि मक्का बसें कहाँ ठहरती हैं जो क्वेटा के लिए जाती हैं, तो उसी चौक के ऊपर जाके आप करेंसी वगैरह चेंज करवा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे करेंसी वाले बैठे होते हैं। ये जी तफ्तान की पूरी मार्केट है। ये जी देखें जी, सामने न्यू वली हो गया, मक्का बस स्टैंड, ये सारे बसें जो है ना यहीं पे स्टॉप करती हैं। अच्छा जी, मोबाइल की केबल लेनी थी, मैंने यहाँ से ले ली है। ये बहुत बड़ी शॉप है यहाँ पर मोबाइल की, तकरीबन एक ही है आप समझ लें, और मैंने नहीं देखी तफ्तान के अंदर। और ये चौक है, हिरन भी बना हुआ है। इस चौक के साथ सारे करेंसी वाले बैठे। ये एक किस्म का तफ्तान का मेन चौक है और यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा, करंसी भी, मोबाइल भी, और यहीं पे बसें ठहरी भी होती हैं सारी की सारी जो तफ्तान और क्वेटा की तरफ सफ़र करती हैं। ये करंसी वाले बैठे हैं सारे के सारे ये साइडों के ऊपर। इस बाबे के पास चल, इस बाबे के पास। अस्सलाम सर, 1,000 कितने का? 1,00,000। उसादा 1,70 बोल रहा था अभी तुम। 10,000 वाले देंगे, छोटा बड़ा नोट होते हैं ना, 10 वाला देंगे 70 के हिसाब से। नहीं, बड़ा नोट लेगा, बड़ा का 1-2 तुमन का फर्क होता है। डॉलर नहीं है, रियाल है। 1 करोड़ 70 लाख 1 लाख पाकिस्तानी बनता है। डॉलर किस तरह दे रहा है जी? 95 200 को तो बात। अच्छा जी, आगे और भी बैठे हैं करेंसी चेंज वाले। इधर स्टॉप कर, ये देखें जी सारे करंसी वाले बैठे इधर 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 इधर। हाँ जी, पाकिस्तानी 1,000 का कितना देगा? 1,000 का 1,65,000। अभी 1,70 लिया हमने। हैं? कोई बात नहीं, बड़ा नोट दो, बड़ा नोट 5,000 का। ईरानी यहाँ पे करंसी दे रहे हैं 1,000 पाकिस्तानी देते हो, तो वो कहते हैं जी 1,70,000 हम आपको देंगे। नया बंदा देखेगा कहेगा यार ये तो 5 लाख का एक ही नोट है। नहीं, इसकी एक सिफर नहीं पढ़नी आपने, आखिरी इसके ऊपर हाथ रखना है, तो ये बन जाते हैं 50,000। मतलब ये आपको 3 नोट देगा और 20,000 और भी देगा, तब जाके 1,70,000 रुपए बनेंगे। ये इस तरह करके 1,70,000 रुपए आपने लेने हैं जब भी करेंसी चेंज करवानी है। पहले रेट पूछ लेना है, फिर आखिरी सिफर जो होती है उसके ऊपर ऐसे उंगली रखनी है आपने, फिर आपने पढ़ना है हाँ अच्छा ये 50,000 हैं। समझ रहे हैं बात को? इस तरह मतलब आपने करेंसी चेंज करवानी। अब हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर तफ्तान पर। आपको सीधे हाथ पे बहुत से ट्रक नजर आएंगे और उल्टे हाथ पे पाकिस्तान हाउस और बिल्कुल सामने पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर तफ्तान है। जैसे ही हम बॉर्डर के गेट पर पहुंचे तो गेट के एक किनारे FC के नौजवान ने हमें कहा आप एक सादा कागज पर अपना फोन नंबर, एड्रेस, शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नंबर हमें लिख कर दें। हमने ये कवायफ उसे लिख कर दिए। फिर गेट के दूसरे किनारे इंटेलिजेंस के शख्स ने हमें कहा कि आप हमें एक पिक्चर बनाने दें और दोबारा ये कवायफ हमें लिख कर दें एक सादा कागज पर। हमने उसे भी ये सब कवायफ लिख कर दिए। फिर हमने अपनी गाड़ियों से सामान उतारा और यहाँ पर मौजूद रेडियो के ऊपर सामान लोड किया। ये रेडियो वाले सामान को एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक ले जाने के लिए 500 से 1,000 रुपए तक लेते हैं। फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किया और सीधा इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ चल पड़े। इमिग्रेशन बिल्डिंग के अंदर हमें महकमा सेहत और FBR का काउंटर देखने को मिला। इन दो काउंटर के ऊपर भी आपसे दोबारा आपकी मालूमात सादा कागज पर लिखवाई जाती है। इस काउंटर से थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसी छत के नीचे आपको इमिग्रेशन का वो ऑफिस देखने को मिलता है जहाँ पर आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगाई जाती है। मगर हम जब पहुँचे तो वो इमिग्रेशन ऑफिस बंद था, 2:00 PM। कहा ये जा रहा था कि ईरान का सिस्टम खराब है। इमिग्रेशन ऑफिस तकरीबन 5:00 PM तक ओपन रहते हैं, मगर हम 5:00 PM तक इंतजार करते रहे और ईरानियों का सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें वापस गेट पर जाना पड़ा।
अब गेट क्लोज हो चुका है, मतलब आज के दिन हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सके। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से एग्जिट की स्टैंप लगवाकर ईरान की तरफ जा चुके थे, मगर ईरान का सिस्टम खराब होने की वजह से एंट्री की स्टैंप नहीं लगी इनकी, जिसकी वजह से इन्हें वापस पाकिस्तान की तरफ आना पड़ा। जी मैं 1 बजे बॉर्डर पे पहुंच गया था, लेकिन अब मगरिब हो रही है। मुझे लगता है आज रात गाड़ी में ही गुजारनी पड़ेगी। पाकिस्तान हाउस भी बंद है और यहाँ पे कोई अच्छा ढंग का होटल ही नहीं मिलता। जी बॉर्डर के ऊपर ही सो रहे, सारा का सारा बॉर्डर है। अच्छा जी, हमने ये कमरा किराए पे ले लिया, हम यहाँ पे आज रात गुजारेंगे। 1 बजे बॉर्डर के ऊपर पहुँच चुके थे। बॉर्डर के ऊपर पहुँचे, हमने पूछा कि क्या तरीका कार है अंदर इंटर होने का। उन्होंने कहा जी ये कागज़ है, कागज़ के ऊपर अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख पैदाइश, कहाँ पे रहते हैं वो लिख दे और फ़ोन नंबर भी लिख दे। और हम 7 लोग थे, हमने 7ों का ऐसे डिटेल में पूरा हिस्ट्री लिखी। और अच्छा, एक कागज़ पे नहीं, इसी तरह के 2 कागज़ बना के दे हमें। अच्छा जी, हमने 2 कागज़ बना लिए। बनाने के बाद एक कागज़ दिया हमने वहाँ पे जो ठहरे हुए थे इंटेलिजेंस वाले, उनको। उन्होंने पूछा जी आप जॉब करते हैं सरकारी या नहीं करते। के पास कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं था, बस एक खाली रिकॉर्ड रखना था इंटेलिजेंस वालों ने अपने पास। ठीक है, अच्छा ठीक है, रिकॉर्ड रख लिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आप पूछ रहे जॉब करते हो या नहीं करते, हम कहें या नहीं करते, बेशक हम पीछे करते हों जॉब, लेकिन ये है कि वहाँ पर टाइम ज़ाया हो रहा होता है। और दूसरे नंबर पे उनके पास कोई कंप्यूटर वगैरह तो है नहीं, ये तो इमिग्रेशन वालों का काम है। इमिग्रेशन वाले कंप्यूटर पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं, उसी वक्त आ जाता है उनके पास रिकार्ड। तो अच्छा, उन्होंने फिर जो है ना ओके लिखा, बिल्कुल गेट के ऊपर ही ये दोनों काउंटर बने हुए हैं। FC वालों को दिया, FC वालों को भी वो सारा रिकार्ड दिया। रिकार्ड देने के बाद उन्होंने भी रिकार्ड का अपना वो सफ़ा अपने पास रख लिया। यकीन माने ये रिकार्ड इनके पता नहीं किसी काम का मेरे मुताबिक नहीं होता होगा, क्योंकि इमिग्रेशन के ऊपर जब हम जाते हैं तो सारा रिकॉर्ड भाई हाँ आज की डेट में इतने बंदे गुजरे हैं, सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है बड़े इमिग्रेशन वालों के पास। लेकिन ये कागज़ों के ऊपर लिखवाते हैं, वो मेरे मुताबिक कागज़ ज़ाय ही हो जाते होंगे और कुछ भी नहीं होता होगा। इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर क्या है, इमिग्रेशन जो हाल है उसके अंदर 2 सेक्शन बनाए हुए हैं। एक सेक्शन तो इमिग्रेशन ऑफिस का FIA जिन्हें आप कह सकते हैं, और दूसरा सेक्शन है एक तरफ बैठे हैं करंसी वाले, भैया आपके पास करंसी है कितनी नहीं है, एक वो बैठे। अच्छा, दूसरी साइड पर बैठे हैं सेहत वाले, मतलब या आपने पोलियो कतरे पिए हुए हैं नहीं पिए हुए, कोरोना कार्ड है नहीं है, मतलब वो सेक्शन है। तो अच्छा, ये भी दोनों कहते हैं भाई हमें भी इसी तरह पासपोर्ट लिख के दो, शनाख्ती कार्ड नंबर ये वो फिलहाल पूरी डिटेल बना के दो। एक सफ़ा वो सेहत वाले मांगते हैं, एक सफ़ा वो जो करंसी वाले हैं वो मांगते हैं। तो मतलब वहाँ पे भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है। हालांकि ये जब हवाई जहाज़ के ज़रिए जा रहे होते हैं तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता, तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए इस तरह का सीन। बस वहाँ पे हम बोर्डिंग करवाते हैं, बोर्डिंग करवाने के बाद इमिग्रेशन पे जाते हैं, हमारी इमिग्रेशन होती है, तस्वीर खींची जाती है, और वहीं इमिग्रेशन वाले ऑफिसर ही सवाल जवाब कर सकते हैं, उनके पास हमारी पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड आ रही होती है। तो होना भी यहाँ पे भी तो ऐसे होना चाहिए, मतलब टाइम भी नहीं लगेगा, ज़ाहिर तंग भी नहीं होगा। सामने फिर इमिग्रेशन करवानी थी, इमिग्रेशन वालों ने इमिग्रेशन रोकी हुई थी, उससे पहले उन्होंने एग्जिट स्टैंप लगा दी थी कुछ लोगों की, वो ईरान की तरफ चले गए थे। लेकिन ईरान का सिस्टम ख़राब हो रहा था या उनके अंदर कोई एरर आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने एंट्री की स्टैंप नहीं लगाई ईरान ने, जिसकी वजह से लोग यहाँ से तो आउट हो गए थे पाकिस्तान से, लेकिन ईरान के अंदर इन ही नहीं हो रहे थे। ईरान उनको अपने अंदर इन ही नहीं कर रहा था, उनका सिस्टम ही नहीं चल रहा था। फिर हम वहाँ पे वेट करते रहे कि ईरान की इमिग्रेशन ऑफिस ओके हो जाए, उनका सिस्टम चल जाए, तो फिर हम यहाँ से खरूज की स्टैंप लगवा कर वहाँ पे जाएंगे ईरान के अंदर। लेकिन जो बेचारे लगवा चुके थे वो पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने खरूज लगा दी है और वो ईरान उनको इन नहीं कर रहा था, तो वो बेचारे रास्ते के अंदर फंसे हुए थे। फिर ये हुआ कि हम तो बाहर निकल के आ गए, उन्होंने गेट जब बंद कर दिए, लेकिन बहुत सारी तादाद वो अंदर थे। फिर मिट्टी बारिश की वजह से फिर पाक फ़ौज ने कहा कि आप इधर आ जाएँ, और उसके बाद फिर हम सुबह आपको पहली फुर्सत के अंदर ही वापस भेज देंगे। बहुत सारे लोग इन हुए, उन्होंने फिर मुख्तलिफ होटलों का रुख किया रहने के लिए, और यहाँ पे होटल वाले एक नाइट का 5,000 रुपये ले रहे हैं।
तो उसके अंदर कुछ सहूलियात भी इतनी नहीं खास दे रहे। यहाँ पे पाकिस्तान हाउस था, पाकिस्तान हाउस अभी क्लोज हुआ हुआ है। मेरे मुताबिक पाकिस्तान हाउस के अंदर जो जो इकदाम करने थे उसको चालू कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, ताकि जो गरीब ज़ाहिर है वो यहाँ पे सुकून से मुफ्त रह सकता। 4:30 बजे बंद हो जाता है बॉर्डर, तो हम सुबह 9 बजे जाएंगे बॉर्डर के ऊपर, दोबारा यहीं प्रोसेस करना पड़ेगा। इंशाल्लाह सारा ये प्रोसेस तो नहीं दिखाऊंगा, ईरान की साइड पे क्या होता है वो कल की डेट में बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आए हुए रेस्ट कर रहे हैं, नहा भी लिया है हमने, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अच्छा जी, सुबह हो चुकी है, 9 बजे का टाइम है और हम सीधा बॉर्डर के ऊपर जा रहे हैं, ताकि जो है ना 9 बजे के अंदर अंदर हम अपना सारा पहले फर्स्ट में काम करवा रहे हैं, क्योंकि 9 बजे बॉर्डर ओपन हो जाता है। हम दोबारा तफ्तान बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती, तो इसलिए फिर मैं एक तरीके के साथ वीडियो बनाऊँगा और फिर उस साइड पर जब मैं पहुँच जाऊँगा बॉर्डर के ईरान वाली साइड पे, तो फिर आपको सारा समझा दूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। ट्रकों की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, अच्छी खासी लाइन जो है ना यहाँ पर ट्रकों की आपको देखने को मिलती है। बॉर्डर के ऊपर भी अच्छा खासा रश है, और क्योंकि कल जो ज़ायरीन नहीं क्रॉस कर सके थे उन ज़ायरीन का भी आना शुरू हो चुका है। ये है जी सामने बॉर्डर, और अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है हमें। ये जी बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर रश लगा हुआ है अच्छा खासा। अच्छा जी, सब दुआ मांग रहे हैं कि किसी तरीके से खुल जाए, ये देखो सब दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके 1 बजे करीब बॉर्डर जाके ओपन हुआ, फिर वहीं सारा प्रोसेस करने के बाद हम इमिग्रेशन ऑफिस पहुंच गए, जहां पर हमें अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा था। फिर हमने अपना सामान उठाया और रेडियो पर लोड किया और सीधा पाकिस्तान गेट से ईरान के गेट की तरफ चल पड़े। रेडी वाले चाचे ने हमसे 500 रुपए लिए, हमारे सामान को 0 पॉइंट तक जाके पहुंचाया। पहले हम पाकिस्तान के एरिया के अंदर थे, असल 0 लाइन ये है। यहाँ पर लगी खाकदार तारें एक जमीन को 2 टुकड़ों में तकसीम करती हैं। इसी मकाम पर पाकिस्तान और ईरान के गेट भी लगे हुए नजर आते हैं। इसी मकाम से फिर ईरान की रेहड़ियों के ऊपर अपना सामान लोड करना पड़ता है। इस रेहड़ी पर खुद सामान लोड करना पड़ता है और खुद ही इस रेहड़ी को चलाना पड़ता है। रास्ते के अंदर सामान की चेकिंग भी की जाती है। रेहड़ी वाला ईरानी शख्स हमसे 1 लाख तुमान किराया लेता है थोड़े से सफर का, जो पाकिस्तानी तकरीबन 800 रुपए के करीब बनते हैं। फिर अगले मरले में आपकी इमिग्रेशन की जाती है और आपकी फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, फिर दोबारा आपके सामान को स्कैन किया जाता है। इस दौरान ठहरा एक शख्स आपसे आपका पासपोर्ट मांगता है, जैसे ही आप उसे पासपोर्ट देते हैं वो कहते हैं आप अपनी इंश्योरेंस करवा लें। फिर आपके चाहते ना चाहते हुए जबरदस्ती आपसे ईरान के अंदर इंश्योरेंस करवाई जाती है। बहुत से लोग पाकिस्तान से ईरानी इंश्योरेंस करवा के आते हैं, मगर उसे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अगर आप थोड़ी सी बहस करें तो बगैर इंश्योरेंस के भी ये लोग आपको जाने दे सकते हैं। कितने पैसे ले रहा है एक मिनट? 2.5 लाख रुपए पाकिस्तान कितने बन जाते हैं? पाकिस्तान थोड़े बन गए 2000 1000 के करीब बनते हैं पाकिस्तान 2000। अच्छा जी, ये ईरान वाली साइड पे पहुंच चुके हैं, ये ईरान का बॉर्डर है जो हमने क्रॉस कर लिया, और ये टैंकी भी दूसरी सिम से नज़र आती है, और ये बॉर्डर हमने क्रॉस करके अभी हम आए हैं। ये वो ट्रकों की लाइन है जो पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार है। जितने भी ग्रुप आ रहे हैं सब जो है ना इंश्योरेंस दे के आ रहे हैं, और यहाँ पर इंश्योरेंस ली जा रही है। अभी ये न्यू ग्रुप से भी हमने पूछा है, तो अच्छा ये बताओ भाईजान, इंश्योरेंस लिया इन्होंने? जी हाँ, कितने कितने लाख लिए? 2.5 लाख। 2.5 लाख लिए वहाँ से भी, मतलब बाज लोग करवा के आते हैं यहाँ पर कि भाई इंश्योरेंस यहाँ पे जलालत नहीं होगी, कम पैसे लगते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पे 2.5 लाख तकरीबन पाकिस्तानी 1500 रुपये बन जाते हैं। अच्छा जी, वहाँ से हम इमिग्रेशन सारा प्रोसेस करके आ गए हैं, और यहाँ से पाकिस्तान से जो ट्रक आ रहे हैं ना ईरान के अंदर वो इंटर हो रहे हैं, उस साइड से पाकिस्तान के अंदर ट्रक जा रहे हैं, और ये है पूरा तफ्तान बॉर्डर।
ये जी कूलर लगे हुए हैं, इस तरह के कूलर भी लगे हुए हैं जहाँ पर आप जो है ना पानी भी पी सकते हैं ठंडा, और साथ ही आपको इस साइड पे टैक्सियाँ वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। बहुत से लोग टैक्सियों पे सफ़र करके आगे की तरफ चल रहे हैं। गाड़ी चाहिए। अच्छा, ये टर्मिनल तक कितना लोगे पैसे? कितना बंदा है? हम तीन बंदा है, लेकिन हमें तीन गाड़ियाँ चाहिए। तीन गाड़ी? हाँ। कितना बंदे है? बंदा तीन है, गाड़ी गाड़ी भी तीन चाहिए। हम तीनों आपस में नहीं बात करता। तीन गाड़ी या तीन बंदे? तीन गाड़ी तीन नफर। हाँ, हर गाड़ी तीन नफर? ना, हर गाड़ी एक नफर। हाँ, हर गाड़ी एक नफर और पीछे सामान सामान। हाँ, सामान ज्यादा है। हाँ, सामान ज्यादा। कोई डाला माजू? हर गाड़ी 5,000 रुपये भाई। 5,000 रुपये पाकिस्तानी? पाकिस्तानी। हाँ जी, 5,000 रुपये 2,00,000 तो मान वन नफर। हर बंदा के 2,00,000 का दर बस 8,00,000 का भाई। हाँ, 5,00,000 तो मान ठीक है ना। बुकिंग 8,00,000 का भाई, बुकिंग फुल बुकिंग 8,00,000 तो मान। हर गाड़ी पहले ये रास्ता लेके आते थे जिस रास्ते के ऊपर हम आप आए, इस तरह की ये जालियाँ लगी हुई थी और यहाँ से हमें आना पड़ता था, लेकिन अब इन्होंने बॉर्डर के अंदर चेंजिंग कर दी है, जो बहुत ही खुश आइन है। मतलब ये कि ज़ाहिर को तंग ज़्यादा नहीं होना पड़ता, लेकिन इस साइड पे ये पुरानी शॉप्स वगैरह जो बनी हुई थी तो वहाँ पर हम आए हुए हैं। ये छोटी सी शॉप बनी हुई है यहाँ पर। हाँ जी, शॉर्मा। शॉर्मा प्राइस 50,000 का दे रहे? पेप्सी। पेप्सी और पेप्सी कितने की दे रहे? 25,000 की। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन कोई 300 रुपये का शॉर्मा मिल रहा है पाकिस्तानी, और जो 50,000 तुमान बनते हैं, और उसके बाद जो है ना तकरीबन 25,000 रुपये की बोतल मिल रही है यहाँ पर, जो पाकिस्तानी 150 रुपये बन। देखिए माशाल्लाह, ज़ाहिर का बहुत बड़ा रश लगा हुआ है लेने के लिए। अच्छा जी, ये भाई ने लिया है, कितने का लिया है साथ? 300 पाकिस्तानी। नहीं नहीं, ईरानी कितने दिए? 50,000 दिए एक शॉर्मे के। अच्छा, शॉर्मे के अंदर कुछ है भी सही या बस ऐसे टमाटर वगैरह? टमाटर है और चिकन है, वेजिटेबल। अच्छा, ये वेजिटेबल है या चिकन वाला है? चिकन भी है और वेजिटेबल दोनों। अच्छा, दोनों सेम प्राइस है। अच्छा जी, शॉर्मा वगैरह ले लिया यहाँ से और सीधा चल रहे हैं आगे। डाले वाले को कहा था हमारे पास सामान है, तो वो सामान हमारा ले चल टर्मिनल तक, जैदान टर्मिनल तक, फिर आगे हम कुम की गाड़ी पकड़ेंगे। डाला हमारा पहुँच चुका है, उसके ऊपर सफ़र तो करते हैं। ये सामने वाली इमिग्रेशन ईरान की है। ये डाला आया हुआ जी, डाले के ऊपर सामान लोड करते हैं, टैक्सी के ऊपर बच्चों को बिठाते हैं, वो आगे कुम की तरफ निकल जाएंगे, हम इसको फिर बस के ऊपर लोड करेंगे। घर से निकलते हुए जी खैरियत से, और ये है हमारे ड्राइवर साहब जो हमें यहाँ से लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रकों का पूरा चेकअप होता है एक किस्म का, फिर आगे जाने की इजाज़त होती है। ये अभी हम शॉर्मा खाते हैं, इनका टेस्ट करते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाह। बेहतर है जी, बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आप किधर जाएगा? उधर से हम कुम जाएगा। हाँ। क्या बोल रहा था? ये बोला सामान बिजनेस वाला है इसके पास। अच्छा अच्छा, बोला नहीं ये देखें जी माशाल्लाह, ये ट्रक है जो पाकिस्तान की तरफ जाना है इन्होंने। ये बॉर्डर भी देख सकते हैं पाकिस्तान और ईरान का, ये देखें माशाल्लाह। का शॉर्मा खा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। मतलब ये कि आपका अच्छा गुजारा चल जाए। जी यहाँ से जैदान 115 किलोमीटर है, तकरीबन घंटा डेढ़ लग जाता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और उसी मकाम पे जैदान के अंदर ही मतलब आपको बसें मिलती हैं कुम के लिए, मशहद के लिए। तो यहाँ से टैक्सियाँ मिल जाती हैं जैसे मैंने आपको दिखाई हैं। ये टैक्सी वाले आपसे 2,00,000 तुमान तकरीबन लेंगे या 1,50,000 तुमान तकरीबन लेंगे आपसे, या 1,00,000 तुमान लेंगे, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा कि उस वक्त करंसी का क्या रेट चल रहा है। अच्छा जी, इधर भी रेल की पटड़ियाँ आपको नज़र आती हैं जो पाकिस्तान से आ रही है रेल की पटड़ियाँ। मतलब अगर रेल चलाई जाए तो यहाँ भी और ईरान के अंदर भी आ सकती है। अब हम सफ़र कर रहे हैं जैदान की तरफ, जो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ देखेंगे। जैदान जाएंगे, जैदान से हम कुम जाएंगे। हमने अपनी फैमिली को आगे पहले मूव करवा दी है, सामान हमारे पास है, सामान थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हम हर चीज़ अपने साथ लेके ट्रैवल कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने
इस चैनल को खास बना लें और इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। हमें याद रखिएगा, हम इस काबिल आपको बना देंगे इस चैनल के जरिए कि आप अकेले भी ट्रैवल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।